हाय, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं दिल्ली में। आप ये काम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और ऑफलाइन के लिए आपको इनके इस ऑफिस में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप हार्ड कॉपी देंगे। आप ज़्यादा लेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे माँ बाप बच्चे भी आते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आईडी प्रूफ्स के लिए आपको आपका एज प्रूफ चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए और आपका एक कोई भी आइडेंटिफिकेशन कि आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैंने पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड दिया था, बट आई थिंक सिर्फ एक आईडी कार्ड भी काफ़ी होता है। बट आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अगर साथ में है तो वो एक एडेड एडवांटेज होती है। चार्जेस पे आते हैं, 1500 रुपये का चार्ज होता है जो कि डेबिट कार्ड से कटता है और आपके मोबाइल पे एक कंफर्मेशन भी आता है, ये लोग स्लिप भी देते हैं एज अ प्रूफ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अंदर से काम करवा देते हैं, दे चार्ज एक्स्ट्रा मनी। अगर आप उस तरह से काम करवाना चाहते हैं तो शायद उसका भी ऑप्शन है। हमने नहीं किया था, हमने ऑफिशियल तरीके से कराया था इसलिए शायद टाइम भी ज़्यादा लग गया, बट काम हो गया था। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे था कि यू नो दिस ऑफिस ये ज़्यादा साफ़ नहीं है, गंदगी है काफ़ी और बाथरूम बहुत गंदे हैं, गर्मी बहुत है। आप वीडियो में देख सकेंगे अभी कि एक जाला भी लगा हुआ था वहाँ पे, मतलब सफाई का काम बिल्कुल नहीं है, लाइट वगैरह भी चली गई थी। मोर देन एन आवर द इलेक्ट्रिसिटी इज कट। कोई ऐसा सुनने वाला वहाँ पे होता नहीं है, बट काम हो जाता है अगर आप लगे रहें या प्रोसेस समझ के जाएं। बाथरूम बहुत गंदे हैं। खत्म हो गए भाई। बस अभी भी हिम्मत है वीडियो बना रही है। सो वी जस्ट गॉट आवर मैरिज सर्टिफिकेट इशूड एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हॉरिबल।